नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रबल एकेडमी का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कल के पूछे गए अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी सेशल्स। इस अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली। हाल ही में इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, भारत के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि ISA भारत द्वारा शुरू किया गया एक गठबंधन है जिसमें 122 देश शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म कहां पर बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वियतनाम। अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सिंगापुर ने इस ऊर्जा संयंत्र को समुद्र तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं 23 मार्च के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस के साथ आज का प्रोग्राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नए महासचिव कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन बी विक्रम भट्ट, ऑप्शन सी राकेश सिंह, ऑप्शन डी दत्तात्रेय होसबोले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दत्तात्रेय होसबोले। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नए महासचिव दत्तात्रेय होसबोले बने हैं। आपको बता दें कि इन्होंने सुरेश जोशी की जगह ली है। किस राज्य की सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान को शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान लॉन्च किया है। समर का पूर्ण स्वरूप स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है। आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करना है और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है ताकि राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म किया जा सके। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नीतू सिंह, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी गौरी सामंत, ऑप्शन डी सृष्टि गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीतू सिंह। हाल ही में द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि नीतू सिंह को यह पुरस्कार यौन हिंसा से संबंधित 2020 में प्रकाशित उनके खबरों के लिए दिया गया है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 मार्च। आपको बता दें कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ग्यारहवां हॉकी इंडियन सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराकर 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम उड़ीसा को हराकर तीसरे नंबर पर रही है।
UNCTAD द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 9%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6%। UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 मार्च। आपको बता दें कि विश्व कविता दिवस यानी वर्ल्ड पोएट्री डे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में की थी, जिसका उद्देश्य कवियों और कविताओं की सृजनात्मकता महिमा को सम्मान देने के लिए था। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 मार्च। आपको बता दें कि विश्व जल दिवस 2021 की थीम है वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्षेत्र के लिए कौन से विकास वित्त संस्थान की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BIDF, ऑप्शन बी NABFID, ऑप्शन सी INIDF, ऑप्शन डी MBDFI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NABFID। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्षेत्र में लंबी अवधि के लोन के लिए NABFID का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी। आपको बता दें कि NABFID का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 मार्च। को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। आज के पहले अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारा पहला सवाल है 20 मार्च 2021 को किस संगठन के सचिवालय में नौरोज समारोह आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शंघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी बिमस्टेक, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी ब्रिक्स। हमारे दूसरे अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारा दूसरा सवाल है नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF विश्व कप 2021 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी यशस्विनी देसवाल, ऑप्शन सी अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन डी तेजस्विनी सावंत। आज के इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके सही जवाब का इंतजार रहेगा। साथ ही इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जानने के लिए कल का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम देखना ना भूलें।